श्रीलंका में आर्थिक संकट और गहरा गया है। कई परिवारों के लिए भोजन तक जुटाना मुश्किल हो गया है। महंगाई चरम पर है, तो वहीं बुनियादी जरूरत की चीजों की देश में भारी किल्लत से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। महंगाई बढ़ने से खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंता लोगों की काफी ज्यादा बढ़ गई है। विश्व खाद्य कार्यक्रम में नवीनतम खाद्य सुरक्षा आकलन के अनुसार करीब 62 लाख श्रीलंकाई के लिए भोजन की व्यवस्था कर पाना भी अनिश्चितता से घिरा हुआ है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के नवीनतम खाद्य सुरक्षा आकलन के मुताबिक श्रीलंका में 10 में से 3 परिवार इस बात को लेकर अनिश्चित हैं कि उनका अगला भोजन कहां से आएगा। श्रीलंका में महंगाई काफी ज्यादा बढ़ गई है। रिकॉर्ड खाद्य महंगाई, ईंधन की आसमान छूती लागत और बुनियादी चीजों की कमी से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देश में लगभग 61% परिवार नियमित रूप से जीवन यापन के लिए लागत में कटौती करने को लेकर रणनीति बनाते दिख रहे हैं। कई ऐसे परिवार हैं जो खाने की मात्रा को कम कर रहे हैं। वहीं कई लोग आर्थिक तंगी की वजह से पौष्टिक भोजन लेने से बचते दिख रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य राहत एजेंसी का अनुमान है कि श्रीलंका में गहराते आर्थिक संकट के बीच और भी लोग उस लिस्ट में शामिल होंगे जिन्हें पौष्टिक भोजन और बुनियादी चीजों की कमी का सामना करना होगा।